दौसा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की एक अहम संगठनात्मक बैठक का आयोजन दौसा में हुआ। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सहित कई विधायक और पूर्व सांसद शामिल हुए। बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, हम संगठन को मजबूत करेंगे तो हम सभी चुनाव जीत सकते हैं। इसके लिए हम प्रदेश में 1 करोड़ नए सदस्य बना रहे हैं और देश की सभी विधानसभाओं में संगठन को मजबूत करने के लिए किए जाएंगे। कैसे बने हम लोग के मूवमेंट का यही उद्देश्य है, हम संगठन को मजबूत रखेंगे तो जो भी उपचुनाव आएंगे हम उन सबको जीतेंगे। अभी तो किसी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जब घोषणा होगी तो हम उपचुनाव के बारे में विचार करेंगे। लोग आरक्षण के लिए मुद्दा बना रहे हैं, वास्तव में वो आरक्षण विरोधी हैं। 65 साल इस देश में सत्ता में रहे, अनुसूचित समाज को गालियां देते रहे, कभी उनके लिए उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, कभी उन्होंने काका कालेकर की रिपोर्ट नहीं बनाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट न जाने कब से फेंकी पड़ी थी, उन्होंने कभी उसको लागू नहीं किया। यह सारा समाज भारतीय जनता पार्टी का आभारी है, हमने मजबूती के साथ उनके आरक्षण की मजबूती को लड़ा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो घोषणा दिया है हमने उसको लागू करने से कैबिनेट की मीटिंग करके इनकार किया है। इसके बावजूद अगर कुछ लोग समाज में बरगलाना चाहते हैं तो ये देश की विरोधी ताकतें हैं। राहुल गांधी का नाम हम लोगों ने राहुल अकबराबादी रख दिया है, वो अकबर की मानसिकता से और मुगल साम्राज्यों की मानसिकता से इस देश को तोड़ना चाहता है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सोशल मीडिया पर जारी बयान का पलटवार करते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने वाले डोटासरा को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार हो या फिर 2004 से 2014 तक की मनमोहन सरकार के एक के बाद एक घोटाले और भ्रष्टाचार जनता के सामने उजागर हुए थे। डोटासरा भूल गए कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों पर भ्रष्टाचार और घोटालों में मिलीभगत के आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, इनके नेता ही कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ झूठ और अनर्गल बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और झूठा भ्रम फैला रही है। और वैसे तो यूं समझे तो हर चुनाव एक प्रकार से युद्ध ही होता है, जिसमें बहुमत हमको प्राप्त करना होता है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर के हमारा कार्यकर्ता घर घर तक संपर्क करेगा। इसके अलावा जो कांग्रेस ने पहले भ्रम पैदा किए थे कि ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये भ्रम मिट चुका है क्योंकि हमारी सरकार भी बन गई। ना हमने आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी की, ना हमने कोई संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया, ये सबको पता है। सरकार डबल इंजन की बन गई, राजस्थान में बन गई, केंद्र में बन गई, लेकिन हम इन विषयों पर एक दृढ़ हैं कि हमको छेड़खानी नहीं करनी है। जो संविधान का हम आदर करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी ने संविधान को माथे पर रखा, सम्मान दिया, तो हम सब संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस का भ्रम अब मिट चुका, जनता समझ चुकी है कि ये भ्रम अब कितना ही फैलाएं जनता विश्वास नहीं करेगी उन पर। दूसरा, उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों के उत्थान की कामना की है, योजना ऐसी बनाई है कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई मस्जिद में जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंदिर में जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। ये बात जब हम कहते हैं तो हम तो 140 करोड़ जनता में इस प्रकार के भाव पैदा करना चाहते हैं, वो हमारी आदरणीय जनता है, हम उसके उत्थान की बात करते हैं, ये हम जनता के बीच में बताएंगे। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, वो समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे।